दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व अब अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ चला है। सभी चुनावी चरण पूर्ण हो चुके हैं और मतगणना की तैयारियां अंतिम दौर में। काउंटिंग से पहले आए अधिकतर एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को एक बम्पर जीत की तरफ जाते हुए दिखा भी दिया है। अनुमान लगभग 350 से 400 सीटों तक एनडीए गठबंधन के पाले में बता रहे हैं। जाहिर है कि ये सिर्फ अनुमान ही है, मतगणना होना भी बाकी। ऐसे में मीडिया में जमकर अटकलों, चर्चाओं और तर्कों का दौर चरम पर है। और सिर्फ देशी क्यों, विदेशी मीडिया की नजरें भी भारत के चुनावी परिणाम पर टिकी है। एग्जिट पोल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन भाजपा के अभी भी हावी होने की उम्मीद है। जापान टाइम्स लिख रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार भारत में मोदी की भारी जीत तय है। अल जजीरा छाप रहा है कि भारत के एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव में मोदी की भाजपा नीति गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। द गार्जियन लिखता है कि भारतीय चुनाव में मोदी गठबंधन आसानी से जीत जाएगा। राइटर्स के अनुसार मोदी का गठबंधन भारत की दक्षिणी सीमा को तोड़ने के लिए अब तैयार है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि भारत में मतदान समाप्त होने के साथ ही मोदी को सत्ता में अपने 10 वर्षों के कार्यकाल पर फैसले का इंतजार है। कुल जमा इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर जितने भारतीय मतदाता उतावले हैं, कुछ उतने ही विदेशी भी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावी परिणाम अटकलों को सच के दायरे में ला पाते हैं या फिर चौंकाने की दिशा में।